नमस्कार, मैं नीति सैन, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में राहगीर को निशाना बनाकर उसके साथ लूटपाट करने वाले आरोपी को KNK थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े राहुल नाम के स्कूटी सवार युवक को निशाना बनाकर आरोपी ने लूट लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने मदद के लिए शोर मचाया, जिसे सुनकर नज़दीक में तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और आरोपी को धर दबोचा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। इस कहावत को सच करके दिखाया है KNK मार्ग थाना पुलिस ने। आपको बता दें, सेक्टर 17 के पास स्कूटी सवार युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके चलते पीड़ित ने शोर मचाना शुरू किया। वहीं पास में तैनात पुलिसकर्मी ने इस शोर की आवाज़ सुनी, जिसके बाद हेड कांस्टेबल जो KNK मार्ग थाना पुलिस में तैनात है, वह वहां पहुंचे, जिन्होंने आरोपी को मौके वारदात पर ही धर दबोचा। उस दौरान आरोपी के साथ दिल्ली पुलिसकर्मी की खूब गुत्थम गुत्था भी हुई है, जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस के जवान ने उस पर काबू पा लिया। आपको बता दें, आरोपी पर काबू पाने वाला दिल्ली पुलिस का ये जवान कोई और नहीं, उमेद सिंह है। उमेद सिंह ने आरोपी से सीधी टक्कर लेते हुए उसे धर दबोचा है। फिलहाल KNK मार्ग थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। वहीं KNK थाना पुलिस का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके के कुछ और आपराधिक मामले भी खुल सकते हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।